Alaikum, grade 6. how are you you all? My my name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. मैं उम्मीद करती हूँ इन तमाम वीडियो को कर रहे हैं और साथ साथ इसमें दिया गया जितना भी काम है उस सब को अपनी बुक्स पर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों मेरा नाम रदा खालिद है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओपीई बुक का एक और मजेदार यूनिट तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं हां जी तो ग्रेड सिक्स हम आज इस यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर नाइन हमने आज बात करनी है किस टॉपिक से रिलेटेड हां जी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी कि हमने देखना है कि ऐसी कौन सी खेले हैं जो आज हम नहीं सीखने वाले हैं यानी कि कुछ खेलों के बारे में तो हमें पता है जैसे क्रिकेट है वॉलीबॉल है बास्केटबॉल है टेनिस है ठीक है कुछ गेम्स तो यूजुअली हमने सुनी हुई है या आमतौर पर हम सुनते हैं अपनी लाइफ में कभी खेले भी होंगी ज्यादातर सुन भी ली हैं, देख भी ली हैं। आज हम जिन खेलों के बारे में सीखने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट गेम्स है थोड़ी है।, ये आम की गेम्स नहीं है ये एक डिफरेंट गेम तो बच्चों हमने आज का जो लेसन है, वो है पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड वन ठीक है लेसन नंबर वन है ये इंट्रोडक्शन का लेसन है आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना काम रीडिंग से हम मिलके करने वाले हैं आज रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं बच्चों कि मैगजीन आर्टिकल क्या होता है हमारा जो टाइटल है आज के काम का वो है मैगजीन आर्टिकल तो मैगजीन का तो हमें पता है हमने देखा होगा मैगजीन क्या होता है एक ऐसी बुक सी होती है एक बुकलेट जिसको कहते हैं उसके अंदर क्या होता है पिक्चर्स नजर आती है हमें बड़ी बड़ी काफी सारी और पिक्चर्स के साथ कुछ छोटा छोटा टेक्स्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन भी दी होती है तो ये मैगजीन के अंदर क्या होता है किसी को पता है हाँ जी मैगजीन के अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है कैसी न्यूज रिलेटेड लेकिन मैगजीन के आर्टिकल के अंदर और न्यूज़पेपर आर्टिकल या न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है तो बच्चों हमने बहुत सारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े हैं ठीक है थीके? आज हमने क्या करना है अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक जो डिफरेंस है ना उसको देखना है यानी कि न्यूज रिपोर्ट या न्यूज आर्टिकल के अंदर क्या होता है और मैगजीन आर्टिकल के अंदर क्या होता है ठीक है अब इसको सबसे पहले आपने यहां मेरे साथ देखना ये बातें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई ये बातें आपने यहीं से पढ़नी है इसीलिए अपनी बुक्स को बिल्कुल छोड़ दें जल्दी से बोर्ड पे मेरे साथ देखें ताकि इस काम को हम सीख सकें जो काम हम करने जा रहे हैं हमने दो चीजों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है फर्क देखना है न्यूज रिपोर्ट मैगजीन आर्टिकल और ये हमारा क्या है आज का टाइटल बिल्कुल न्यूज रिपोर्ट्स जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर क्या होती है न्यूज अखबार जो आपके घर में आता है कैसी खबरें उसमें होती हैं? रीसेंट इश्यूज रीसेंट का मतलब है अभी अभी जो कोई काम हुआ है कुछ अर्सा पहले ठीक है ताजा खबर के नाम से आपने जैसे सुना होगा ये सुना है ना? तो ऐसे इश्यूज अभी करंटली हो रहे हैं ठीक है थीके? उसके ऊपर बात हो सकती है फॉर्मल इंफॉर्मेशन इसके अंदर ज्यादातर फॉर्मल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बच्चों ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुल्क से रिलेटेड है तालीम से रिलेटेड है डेवलपमेंट से रिलेटेड है यानी कि डेवलपमेंट क्या आप देखें कि किस किस जगह तरक्की हो सकती है किस किस शोबे में तरक्की हो सकती है किस डिपार्टमेंट में बेहतरी आ सकती है टेक्नोलॉजी के ऊपर फॉरन लोन्स के ऊपर इस तरह की जो बातें हैं वो कहाँ आती हैं? उसको कहते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन अब इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी जो फॉर्मल नहीं होती हाँ जी जैसे मीडिया इंडस्ट्री की खबर है वो इनफॉर्मल होती है इसी तरह जब मैगजीन्स की बात है वो कहाँ होती है सारी मैगजीन्स में होती है ना तो वो सारी बातें कहाँ होंगी इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन ज्यादातर मैगजीन आर्टिकल्स में ब्रीफ न्यूज आपने देखी है न्यूज पेपर आर्टिकल जो होता है वो ब्रीफ होता है छोटा होता है ठीक है ऑब्जेक्टिव मैनर में लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब है ऐसा काम जिसके लिए हम क्या देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है मकसद क्या है उस बात को लिखने का यानी उस फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी है यहाँ पे उसको पढ़ने का या लिखने का वहां क्या मकसद है इसलिए लिखा जाता है अवेयरनेस के लिए ठीक है ताकि लोगों में आग ही पैदा हो इस बारे में और वो क्या करें इसके लिए कोई कदम उठा सके कोई बेहतरी कर सके तो हमारे पास ये आइडिया हमें पता चल गया न्यूज रिपोर्ट के बारे में हमने जितना भी पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है रीसेंट इश्यूज के बारे में बात हो रही होती है जैसे वाटर के अंदर हमने बात की थी न्यूज़पेपर पेपर रिपोर्ट बनी थी कि पानी से कितनी ज्यादा तबाही हुई थी तो वो रीसेंट इश्यू था ना फॉर्मल मैनर में लिखी हुई थी ना फॉर्मल इंफॉर्मेशन थी ना कोई मीडिया की या कोई टीवी की खबर तो नहीं थी ना ओके okay. ब्रीफ थी छोटी सी थी हां जी, ऑब्जेक्टिव मैनर में लिखी थी क्या उसका मकसद सिर्फ पानी के साथ होने वाले मसलों के बारे में देखना था बिल्कुल तो ये सब हमें पता चल गया कि ये क्या होता है न्यूज पेपर के अंदर जो रिपोर्टर आर्टिकल लिखे जाते हैं वो इस बातों से लिखे जाते हैं अब मैगजीन आर्टिकल क्या होते हैं मतलब खास एक खास मकसद या एक खास टॉपिक के ऊपर लिखे जाते हैं सब्जेक्ट का मतलब यहां है टॉपिक ठीक है यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी एक टॉपिक का मैगजीन डिफरेंट होता है अगर मॉडल्स की हम बात करें तो मॉडलिंग के लिए एक अलहदा मैगजीन होगा अगर हम बात करें मेन फैशन के लिए तो वो अलहदा मैगजीन होगा अगर हम ये बात करें कि क्रिकेट के ऊपर एक स्पेसिफिक मैगजीन बनाया गया है यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक मैगजीन है तो उसके अंदर मैगजीन आर्टिकल में क्या लिखी बात क्या बात लिखी जाएगी स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होगा बिल्कुल स्पोर्ट्स होगा क्योंकि सारी खेलों से रिलेटेड लिखी जाती है और इस मैगजीन के अंदर क्या बातें लिखी होती हैं सारे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं यानी ना सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग हॉकी खेलने वाले लोग टेनिस खेलने वाले लोग जितने भी दुनिया के स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन हैं उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन कहा लिखी जाती है हमारे स्पोर्ट्स मैगजीन के अंदर तो क्या अगर मैं यहां लिख दू कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज जो मैगजीन आर्टिकल वो है स्पोर्ट्स मैगजीन से लिया हुआ ठीक है ओके okay. अच्छा उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ होता है इंटरव्यूज ओके okay. किसके इंटरव्यूज अभी मैंने आपको बताया हाँ जी उन्हीं स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो हमने ये वाला आर्टिकल हमने देखा है एंड करंट इश्यूज और ऐसे करंट इश्यू जो अभी अभी यानी फिल वक्त जिनके ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में तबसरा किया जाता है ठीक है तो ये बातें हमें सारी पता चल गई किसके बारे में मैगजीन आर्टिकल्स और मैगजीन रिपोर्ट्स के बारे में अब आज तो बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर क्या डिफरेंस है समझ आ गई सबको वेल well डन अच्छा आज का काम अब यहां से स्टार्ट होता है आपने क्या करना है रीड द मैगजीन आर्टिकल आपने इसके नीचे जो तो मैगजीन आर्टिकल लिखा हुआ है उसको पढ़ना है जिसका टाइटल क्या है फैन कॉस्ट द वर्ल्ड सीरीज फैन यानी कौन एक शख्स ऐसा शख्स जो क्या कर रहा है जो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है किसी चीज को बहुत पसंद करता है किसी आदमी को किसी औरत को किसी शख्स को किसी पर्सनालिटी को या किसी गेम को किसी भी चीज के बारे में फेमस चीज के बारे में आप अगर पसंद करते हैं उसको तो हम कहते हैं फैन कॉस्ट कप वर्ल्ड सीरीज शिकागो कप्स के नाम से क्या हो रहा था एक मैच हो रहा था उसके अंदर क्या था वर्ल्ड कप चल रहा था उनका वर्ल्ड सीरीज चल रही थी उनके अंदर क्या हुआ एक फैन से एक छोटा सा हादसा हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों मैं आपको मजीद नहीं दूंगी मैं चाहती हूं कि पेज टू के ऊपर जो मैगजीन आर्टिकल दिया गया है आप उसको रीड करें उसके अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो आपको पढ़ना ना आए क्योंकि वो सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें आप जाके उस मैगजीन के आर्टिकल को रीड करें तब तक मैं आगे बढ़ रही हूं हाँ जी ग्रेड सिक्स क्या आप सबने अभी तक उस मैगजीन के आर्टिकल को रीड कर लिया सबने पढ़ लिया ओके तो बच्चों अब जो हम बात करने वाले हैं आपने देखा होगा कि किस तरह एक छोटा सा हादसा पेश आया स्पोर्ट्स के दौरान ठीक है तो ये एक स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ी एक अजीबोगरीब और, और जिसे कहते हैं ना सनसनी खेज बहुत ही थ्रिलिंग सी न्यूज थी ठीक है उसके बारे में क्या लिखा गया है मैगजीन के अंदर अब यहां पर इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपके पास कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपकी बुक में उस टेक्स्ट के अंदर लिखे हुए थे लेकिन यहां पर ये यह जो ब्लू में वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है ये उनके मीनिंग्स हैं जैसे हमने काम पहले भी किया है कि मीनिंग्स हमें दे दिए जाते हैं हमें कहा जाता है कि उनको पढ़ें, हम उनको समझें और उससे रिलेटेड कोई एक लफ्ज हमने कहा पढ़ा होगा अपने टेक्स्ट के अंदर तो टेक्स्ट के अंदर से क्या करें उन वर्ड्स को निकालें उन लफ्जों को निकालें सोचें कि इनका आपस में क्या जोड़ है क्या ये एक जैसे लगते हैं क्या इन वर्ड्स का मीनिंग एक हो सकता है तो ये चीज हमने देखनी है वर्ड्स यहां पर मैंने लिख दिए हैं सबसे पहला वर्ड है डिज आस्टर आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा डिजास्टर्स न्यूज डिजास्टर्स फ्लड यानी ऐसी चीज जो तबाही कर देती है बहुत बुरी होती है जिसको कहा जाता है एक वर्ड इसके लिए है कैटास्ट्रोफ। पी एच जो है वो एफ की साउंड देता है कैट एस्ट्रॉफ ठीक है ई e भी क्या है साइलेंट तो हम कहते हैं कैटास्ट्रोफ। ठीक है सेकेंड वर्ड क्राउचिंग डाउन इन फियर क्राउचिंग डाउन का मतलब है कि आप जब इतना ज्यादा आपकी बॉडी ऐसे शिवर कर रही है आपके हाथ बन जाते हैं और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किस लिए जब आप डर जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा डर जाए किसी चीज से तो आपकी बॉडी एकदम से सीज कर जाती है ना दैट्स यू कॉल क्राउचिंग डाउन क्या आप चीखे मार रहे हैं क्योंकि आपको क्या लग रहा है डर लग रहा है तो इसीलिए इस बात को हम कहते हैं स्क्रीम्स ये वर्ड हमने पढ़ा है अपनी बुक में अपने टेक्स्ट में जिसका नाम है स्क्रीम्स ओके डीपली डिस्ट्रेस्ड डीपली डिस्ट्रेस यानी एक ऐसी कंडीशन जहां आप जरूरत से ज्यादा क्या हो जाए परेशानी में मुबतलाएं ठीक है तो ऐसी सिचुएशन कब आई थी जब डिस्ट्रॉट हुआ था याद है ये वर्ड हमने उस टेक्स्ट में पढ़ा है हां जी तो इसका मतलब क्या होता है डीपली डिस्ट्रेस यहां तक तो बच्चों ये कुछ ऐसे वोकैबलरी के पार्ट थे जो हमने उस टेक्स्ट में पढ़े थे और उनको यहां पर हमने सिर्फ रिवाइज करना था ये काम हमारा हो गया बिल्कुल खत्म रीडिंग तक का पार्ट हम बिल्कुल कर चुके हैं अब इससे रिलेटेड एक और छोटा सा राइटिंग टास्क हम करेंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है हमने एक छोटी सी रिविजन करनी है जल्दी से मुझे बता दे कि जब हमने एक्रोनेम्स और पढ़े थे किसको याद है कि एक्रोनेम्स क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं हैं हाँ जी सब भूल गए आप एब्रीवेश क्या होते हैं हमने बात की थी कि कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स को हम क्या करते हैं बहुत बड़ा सा एक वर्ड है एक बहुत बड़ा सा नाउन है उसको शॉर्ट करने के लिए उसके इनिशियल यानी पहला पहला हर्फ लिया जाता है और उनको मिला के एक लफ्ज बनाया जाता है और उस लव्ज को हम वैसे ही प्रोनाउंस यानी बोल सकते हैं एक ये बात होती है कि हम किसी वर्ड को शॉर्ट करके रख लेते हैं यानी बहुत बड़ा सा वर्ड है हम उसका छोटा सा वर्ड यूज करते हैं ठीक है थीके? इसी तरह आपको याद होगा वो जो छोटा सा वर्ड है उसको भी पूरे मानी में लिया जाता है जैसा कि बहुत मशहूर वर्ड है टेलीविजन टेलीविजन क्या होता है टीवी आपके घरों में जो मौजूद होता है तो उस टीवी को हम टीवी बोलते हैं टेलीविजन नहीं बोलते तो ये क्या है एक हमारे पास एब्रीवियशन है हम इसको कहते हैं एब्रीवेशन यानी हम छोटा कर देते हैं किसी वर्ड को अब आज का जो हमारा काम है वो ये है इसको देख लें इन ब्रैकेट्स द फॉलोइंग आर ऑफ कॉमनली देंटेंड वर्ड इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या दिया गया है sentences के अंदर दिए गए हैं किस चीज के कॉमनली यूज वर्ड जैसे मैंने आपको टीवी बताया ना ऐसे ही जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर अपनी जिंदगी में वो वर्ड्स दिए गए हैं राइट डाउन द कम्प्लीट वर्ड फ्रॉम ईच वन कम्स आपने बताना है वो वर्ड लिखना है आपने वो वर्ड लिखना है जो इन वर्ड्स का कंप्लीट फॉर्म है यानी जितने भी वर्ड मैंने यहां किस में लिखे हैं ब्रैकेट में लिखे हैं और अंडरलाइन किए हैं आपने इन सब वर्ड्स का क्या लिखना है फुल फॉर्म ये वर्ड्स इतने कॉमन है कि हर बच्चे को आते होंगे ठीक है जल्दी से इस काम को मेरे साथ कर लें नंबर वन फैसल इज ऑन फोन फॉर यू फोन कौन बताएगा फोन की फुल फॉर्म क्या है Very good. The word is telephone. Okay. Next word. Ayub is in hospital. Ayub hospital में है. He fell off his bike this morning. वो अपनी bike से आज सुबह गिर गया. तो bike को क्या कहते हैं? अबू की जो motor bike होती है. किसको याद है? किसने देखी है? हाँ जी. तो वो motor bike जो होती है, वो bike का full form है. Motor bike. ओके okay, जी नेक्स्ट थ्री वी वेटेड अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर हिज प्लेन टू अराइव हमने बहुत देर इंतजार किया कि उसका प्लेन आ जाए यानी पहुंच जाए प्लेन हां जी ए फोर वेरी गुड एरोप्लेन ये तो सबको याद होगा आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन ओके नहीं लगाने आपने नंबर फोर वी विल बी सो रिलीव्ड वेन आर exams आर ओवर रिलीव मतलब सुकून में आ जाना हम बहुत सुकून में आ जाएंगे जब हमारे एग्जाम्स क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम्स का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा सबकी क्लास में लिखा जाता है कि okay? लगाएंगे साथ नंबर फाइव आई विल कंफर्म योर ऑर्डर बाय फैक्ट अब ये जो वर्ड है ये शायद सब बच्चों को ना पता हो क्योंकि आपने हमेशा फैक्स को फैक्स के नाम से ही देखा होगा आज जो मैं आपको बताने वाली हूं इसका फुल फॉर्म वो होता है एस ए सी एस एम आई एल ई फैक्स मील ठीक है इसको बोलते हैं फैक्स मील ठीक है Meal, पर वर्ड जो शॉर्ट यूज होता है वो क्या है फैक्स तो बच्चों आज हमें पता चल गया बहुत सारे फेमस वर्ड्स की एब्रीवेशन हमने देख लिया कि जो वर्ड छोटे करके लिखे हुए होते हैं ये एक्चुअली बड़े वर्ड्स यानी फुल फॉर्म में क्या होते हैं ठीक है यहां तक ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी होगी ये राइटिंग टास्क भी हमने मिलकर बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया अब हम करने जा रहे हैं एक फाइनल और आखिरी राइटिंग टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उसको मेरे साथ करना बहुत जरूरी है जल्दी से अपने पास एक पेपर रख लें और साथ एक पेंसिल ताकि आज के इस आखिरी काम को भी हम साथ कर सकें जी तो ग्रेड सिक्स आई होप आप सबके पास अभी तक एक पेंसिल और एक

तो हमें यह पता है कि काउंट करने का मतलब है कि चीजों को किसमें रखना ऑर्डर में रखना वेरी गुड वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरह रिकाउंटिंग का मतलब यहां में बताया जा रहा है कि हमने क्या करना है जो काम पहले से किया गया है उसको आपने दोबारा से करना है जैसा कि स्टोरी लिखी गई है आपने स्टोरी को अपने तरीके से दोबारा से करना है क्या करना है वो बोर्ड पे देखे मैं आपको बताती हूं रिकाउंटिंग मीन्स प्रजेंटिंग इंफॉर्मेशन और इवेंट्स इन एन ऑर्डनरी वे प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन वही इन्फॉर्मेशन जो हमारे टेक्स्ट में दी गई थी और इवेंट्स जितने भी स्टोरी इवेंट्स है उनको किस तरह बताना है ऑर्डनरी वे में एक तो आपकी बुक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है हमने बात की थी कि मैगजीन के अंदर जो बातें लिखी हुई होती है वो किस तरह लिखी होती है स्वेट करने के लिए रीडर्स को यानी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मतवर्जा करने के लिए इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं बड़ी बड़ी की जाती है ताकि जो क्या है पढ़ने वाला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करे उस टाइम पे हमने ऑर्डनरी वे में बताना है क्या यूज करना है इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यूज द सिंपल पास में करना है सबसे पहली बात दूसरी बात योर इवेंट्स

Afterwards, soon, सून सडनली ये वर्ड उसके बाद आपने यूज करने हैं जिससे क्या पता चलेगा जिससे ये पता चलेगा कि आपके इवेंट के अंदर स्टोरी के अंदर जो इवेंट्स हैं, एक के बाद दूसरा कैसे आ रहा है अच्छा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लिख लेते हैं ये हमारी है इंस्ट्रक्शन ओके रीकाउंट फैन द वर्ल्ड सीरीज ये जो टेक्स्ट हमें दिया गया है इस टेक्स्ट को हमने क्या करना है रिकाउंट वही इवेंट्स को दोबारा दोबारा लिखना है राइट टू पैराग्राफ्स अब यहां पर वन पैराग्राफ कौन लिखेगा मिस और दूसरे पैराग्राफ कौन लिखेगा हां जी सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स ओके okay? अच्छा मैंने अपना पैराग्राफ नंबर वन स्टार्ट किया है मैं वन लिख देती हूं ताकि मेरे बच्चों को आइडिया हो जाए कि पैराग्राफ वन है अब आपने जब स्टोरी के इवेंट्स लिखने हैं तो सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात बतानी है उसके बाद क्या हुआ था देन आफ्टर वर्ड इस तरह के वर्ड यूज करते हुए आपने पैराग्राफ लिखना है मैं स्टार्ट कर देती हूँ एलो अ ग्रेट प्लेयर इन द हिस्ट्री वॉज प्लेइंग फॉर द शिकागो कप एलो जो था वो किसके लिए खेल रहा था शिकागो कप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं जो बता रहे हैं हमारा ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्माइल्ड एट द क्राउड उसने क्राउड पे क्या किया स्माइल की ओके okay. उसके बाद अगली बात क्या हुई थी ही हैड अ ग्रेट कैच परफॉर्म उसने क्या किया एक बहुत ही आला कैच परफॉर्म किया आफ्टर दैट कॉमा इट वॉज टाइम फोर another अदर शॉर्ट एक और दूसरी शॉर्ट की बारी आ गई stop. But, कॉमा a catastrophe. हम वही word यूज कर लेते हैं हैपेंड ओके फुल स्टॉप अब यहां पर हमने बात को थोड़ा बढ़ाना है किस चीज के लिए हमने सात वर्ड यूज करने हैं आफ्टरवर्ड सून सुन सडनली फाइनली ये वर्ड यूज करने हैं अच्छा जी हम यहां लिखते हैं सडनली कॉमा अब हम इसके आगे की बात लिखने वाले हैं ठीक है सडनली के बाद हम लिखते हैं अ फैन फ्रॉम दी क्राउड और चेयरिंग क्राउड जो भी आप लिख लें इन बिटवीन या एक वर्ड जो यूज किया है, गया है टेक्स्ट के अंदर वो था डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड का मतलब है किसी चीज के रस्ते में आ जाना किसी चीज का रास्ता रोक लेना सो so, हम इजी वर्ड में उसको लिखते हैं फ्रॉम अ फैन फ्रॉम द क्राउड केम इन बिटवीन द बॉल एंड एलो सून द क्राउड वॉज हमने इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना ना द क्राउड वॉज ऑल स्क्रीमिंग ठीक है क्राउड क्या कर रहा था स्क्रीम कर रहा था चीख रहा था बिकॉज ऑफ What just happened? यहां तक मैंने अपना फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर वो कैच परफॉर्म करने से वो रुक गया उसके बाद जब उस फैन के साथ क्या क्या हुआ क्राउड ने उसको क्या क्या कहा लोगों ने उसको क्या कहा और उस फैन की क्या फीलिंग्स थी ये सारी बातें आप कहा लिखेंगे यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे बच्चों यहाँ तक हमारा एक लेसन तो बिल्कुल खत्म हो गया मैंने आज आपको बता दिया लेसन नंबर वन में पेज 200 और 201 पे दी गई जो मैगजीन आर्टिकल था उसके बारे में और हमने एक बहुत नई स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ली और हमने ये देख लिया कि उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कैसे सॉल्व करनी है हमने कुछ एब्रीवेशन भी नहीं सीखी हैं और वो वर्ड जो हमने पहले अपनी जिंदगी में सुने हुए थे आज हमने उनको रिवाइज कर लिया तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है बिल्कुल खत्म। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहाँ हम करने जा रहे हैं एक और मजेदार टॉपिक इसी यूनिट से जो कि होगा लेसन नंबर टू तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सारे काम करते रहिए इस काम को जरूर पूरा कीजिएगा थैंक यू सो मच वॉचिंग लेसन अल्लाह हाफिज